जी पब्लिक तो अब बदला भी चाह रही है, और हमारे लिए तो जो भी काम यहाँ अच्छे करें हमारे इलाके में, वो इसने बहुजन समाज पार्टी के इस बार बीजेपी सरकार को बदलना चाहते हैं हम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ कस्बे में ना तो बिजली की व्यवस्था सही है, और आज तक इतना बड़ा कस्बा है इसके अंदर जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के लिए यहाँ से कोई सीधी बस नहीं है। बस स्टैंड का बस बन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बेकार है। नोएडा का डेवलपमेंट जो किया था वो बहन मायावती जी ने ज़्यादा किया। यहाँ जो है जो कुछ विकास किया उन्होंने, जैसे कि एक यहाँ पर स्पोर्ट सिटी लाए जो विश्व का सबसे बड़ा क्या कहते हैं वो है, इसको भी स्थगित कर दिया इन लोगों ने इनकी सरकार आने के बाद में। और आज धनकौर की रूपरेखा तो बहुत बुरी है, कोई यातायात का साधन नहीं, आने जाने का साधन नहीं। ये सपा के तो कारनामे हुए ही है जो आज स्पोर्ट सिटी में ताला पड़ा हुआ, विकास के नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कहा था उन्होंने कमर्शियलाइज़ेशन लागू करूँगा और विकास के लिए बहुत कुछ करूँगा, आज तक कुछ भी नहीं। धनकौर तो ऐसा कहते सही है। नमस्कार, मैं श्रेयसी नेशन टाइम से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेवर विधानसभा के धनकौर कस्बा गांव में, और आज हम आ गए हैं यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में, और बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या है उनकी राय यूपी इलेक्शन को लेकर के, और वो इस बार किस सरकार को लाना चाहते हैं सत्ते में। जी, आपका नाम? मेरा नाम जतन स्वरूप राठी है। और इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप यूपी में? सरकार का हम बदलाव चाह रहे हैं, इस बार बीजेपी सरकार को बदलना चाहते हैं हम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ कस्बे में ना तो बिजली की व्यवस्था सही है, और आज तक इतना बड़ा कस्बा है इसके अंदर जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के लिए यहाँ से कोई सीधी बस नहीं है। बस स्टैंड का बस बन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बेकार है। इसका मतलब आप उनके कार्य से खुश नहीं हैं? नहीं, कार्य से खुश तो इसलिए होते हैं कि जैसा कि भाई कोरोना चल रहा है, यहाँ से बीमार अगर आदमी हो जाता नोएडा को भागता है, अगर यहाँ पर जो है ब्लॉक था एक ब्लॉक को उठा कर ले गए। शिक्षा को लेकर कुछ नहीं किया? शिक्षा के लिए क्या कुछ भी नहीं है शिक्षा के लिए? यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज है एक, वो द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज है वो है बस, राज्य के कोई स्कूल नहीं है। इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो का तो हम यूपी के लिए कौन सी सरकार अच्छी साबित होगी? साबित तो यह है कि इसमें जो है नोएडा का डेवलपमेंट जो किया था वो बहन मायावती जी ने ज़्यादा किया। यहाँ जो है जो कुछ विकास किया उन्होंने, जैसे कि एक यहाँ पर स्पोर्ट सिटी लाए जो विश्व का सबसे बड़ा क्या कहते वो है, इसको भी स्थगित कर दिया इन लोगों ने इनकी सरकार आने के बाद में। और आज धनकौर की रूपरेखा तो बहुत बुरी है, कोई यातायात का साधन नहीं, आने जाने का साधन नहीं। लोग जो है कलेक्ट्रेट के लिए जाते हैं, मानो कोई किसी का कोई केस हो जाता है तो उसके लिए बस व्यवस्था नहीं उन्होंने जाते। मतलब विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ ठगा है आप लोग? ठगा है, विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो मान लीजिए कि अगर सत्ते में फिर से बीजेपी सरकार ही आती है तो क्या लगता है वो इस बार विकास करेगी या फिर सर्वनाश करेगी? देखिए, अब यदि बीजेपी आई तो बीजेपी तो जैसे पहला विकास कर चुकी है ऐसा ही अब करेगी, जैसे ब्लॉक को ले गए, जैसे ब्लॉक को ले गए, जबकि यहाँ पर जो है ये इतना बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा, यहाँ पर जो तहसील स्थापित होनी चाहिए, तहसील को उधर डाड़े गांव में बना दिया। अब यहाँ का कस्बे का आदमी डाड़े जाता है, ना कोई साधन है आने जाने का ना कुछ है, तो ऐसा विकास होगा उनका? तो अगर मायावती की सरकार आती है तो महंगाई जो है वो एकदम हाई लेवल पे है, तो आपको क्या लगता है कि वो कंट्रोल हो पाएगा मायावती जी की सरकार से? देखो मैडम, महंगाई जो है वो तो केंद्र के ऊपर है, केंद्र के जैसे आदेश होते हैं उसी तरह से राज्य करता है। यदि मायावती जी की सरकार आई तो वो भी एकदम महंगाई पर काबू नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ बढ़ गई है वो नीचे डाउन होनी तो मुश्किल है। जैसे कि खाद्य तेल है, 70 रुपये किलो तेल था, 50 रुपये किलो तेल था सरसों का, आज क्या कहते हैं 200 रुपये किलो तेल हो रहा, तो गरीब के लिए तो क्या कहते हैं भोजन के भी जो लाले हो रहे हैं। आप चाहते क्या है आने वाली सरकार से, जो भी आएगी सरकार आप उनसे चाहते क्या है? आने वाली सरकार से हम तो ये चाहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल हो और कस्बे का विकास हो।
योजनाएं भी तो इतनी सारी थी उनकी, चलाई थी इतनी सारी योजनाएं, पेंशन वगैरह को लेकर, वृद्धावस्था को लेकर, कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपये की योजना, इन सब पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई सामूहिक विवाह हुआ ही नहीं है हमारे क्षेत्र में, इधर तो कस्बे धनकौर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दस में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप मायावती को? दस में तो हम तो ये चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, कि कम से कम जो हमको 9% नंबर दे दिया जाए तो अच्छा है। एक नंबर कहाँ गया? एक नंबर तो हर उस चुनाव में बचता है, 100% किसी को नहीं मिलता। क्यों क्यों मत तो अपना अपना अलग होता है। अब किसी पे हम ये प्रेशर थोड़ी डाल सकते हैं कि भाई तुम 100% क्या कहते वोट कर दो। बीजेपी को कितना देंगे नंबर? बीजेपी को तो नहीं। सपा बहुत दिन पहले आ चुकी है अखिलेश जी की, लेकिन सपा के अंदर जो है ये सपा के तो कारनामे है हुए ये, जो आज स्पोर्ट सिटी में ताला पड़ा हुआ, विकास के नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कहा था उन्होंने कमिश्नरी लागू करूँगा और विकास के लिए बहुत कुछ करूँगा, आज तक कुछ भी नहीं। धनकौर तो ऐसा कहते सही है। आपका नाम? कृष्ण राठी, धनकौर जी। तो मौजूदा सरकार के किन किन कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जो मौजूदा सरकार है इनके तो कार्य यहाँ तो धनकौर में तो बेकार है। मतलब आप उनके कार्य से खुश नहीं हैं? खुश क्या, यहाँ कोई विकास तो उन्होंने करा ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया ना, ना। रोजगार का जो इन्होंने दावा किया था, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उस पर कुछ भी नहीं काम किया? अरे रोजगार का तो ये है कि बच्चे इनके 8 घंटा गवर्नमेंट को ड्यूटी होनी चाहिए, 12 घंटा दे रहे हैं। तनख्वाह कोई लागू ना, क्या रोजगार क्या नियम है, कोई ये लागू थोड़ी है कि भाई मजदूर इतनी तनख्वाह देगा, कोई नियम है 12-12 घंटा ड्यूटी का रोजगार का? समस्याएं क्या क्या हैं आपके यहाँ इलाके की, लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या तो यही है यहाँ की, आने जाने के साधन भी थोड़े कम हैं, जैसे जाम है कहीं तो यहाँ से बिजली ये हाँ परी चौक जाने के भी उनमें जाम है, हम 3-व्हीलर कोई यहाँ से बस नहीं कुछ नहीं। किस पार्टी को इस बार सत्ता में लाना चाहते हैं आप? देखो जी पब्लिक तो बदलाव ही चाह रही है और हमारे लिए तो जो भी काम यहाँ अच्छे करें हमारे इलाके में वो इसने बहुजन समाज पार्टी के हमारे यहाँ तो जो भी वहाँ उन्होंने करा कर। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो विकास करेगी? विकास करेगी नहीं, करा है यहाँ बहुत और आगे आ भी गई तो फिर हमें उम्मीद। क्या 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 विकास किया है यहाँ? इस पर हमारे यहाँ स्पोर्ट सिटी बनाई उन्होंने, मायावती के आते ही ना यहाँ पूरे रोड बने, ये हमारे यमुना एक्सप्रेस का बना 5 साल में तैयार कर दिया है और बाकी ना और नहीं इतना काम नहीं। योगी सरकार ने नहीं किया? योगी सरकार ने नहीं, वो तो दलित समुदाय के बीच जाकर भोजन कर रही हैं उन लोगों। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि वो प्रलोभन है या ज़मीनी तौर से वो जुड़े हुए हैं? देखो जी भोजन करने से क्या रोजगार मिले अच्छे, प्रलोभन है इसका मतलब है? प्रलोभन दिखा रहे हैं इसका मतलब योगी आदित्यनाथ? भोजन भोजन से क्या करना है, वो तो दिखावा सब। जेवर एयरपोर्ट जो उन्होंने बनवाया है, जेवर एयरपोर्ट, तो वो तो उन्हीं के सरकार में हुआ है ना योगी जी? ये तो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था, अगर माया बहनवती ये आ जाती ना मायावती तो अब तक तो बन, और ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से टच भी रहे, ये तो प्रधानमंत्री के वहाँ में रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब वो उनका काम वो अधूरा रहा। बीजेपी सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो क्या लगता है आपको, वो विकास करेगी या सर्वनाश करेगी? मुझे हमारे इलाके में तो उन्होंने नहीं करा इतना, और यहाँ कोई बस की सुविधा करी ना यहाँ कोई ऐसी, क्या करें मुश्किल ही लग रहा। 10 में से कितना नंबर मायावती जी की सरकार को देना चाहेंगे, उनकी पार्टी को देना चाहेंगे? देखो जी उनकी पार्टी को कम से कम 80% तो होना ही चाहिए, बाकी का तो होना ही चाहिए। बाकी का 2 नंबर कहाँ चला गया? अब 2 नंबर तो ये है कि पब्लिक है, 2 नंबर से हो गए क्या, 80% 8 नंबर आ जाए तो अच्छा ही है। बीजेपी को कितना देंगे?
देखो हमारे तरफ से तो बीजेपी को मुश्किल है, जीरो देंगे बीजेपी को, है ना, जीरो देंगे बीजेपी को। हाँ हमारे हमारे समाज का तो बड़ा मुश्किल है। सपा को, सपा को ये कुछ पता नहीं लोगों के कार्य तो उन्होंने भी किया है और बीजेपी को बराबर की टक्कर भी दे रहे हैं। सपा जो है ना उन्होंने तो रत्ती भर भी कार्य नहीं करा है। टैबलेट फोन वगैरह तो दिया था उन्होंने, टैबलेट हमारे हम हमारे समाज में कुछ ना दिया है। वो तो उनको दिया, यहाँ जैसे सड़कें हैं, निर्माण है, विकास है, मजदूर है, हम क्या करा कुछ। ये बच्चों को दिए हैं कहीं कहीं, लेकिन वैसा जो यहाँ का आने जाने के साधन। आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहें हमारे जो अच्छे रोजगार रहे उनको, उनके टाइम टेबल सही बने, बच्चे 8 घंटे ड्यूटी रहे तो कम से कम हफ्ते में एक छुट्टी भी मिले, बहुत ज़्यादा दिन रात रखना तो ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट। क्या लगता है आपको कि यूपी के लिए कौन सी सरकार अच्छी साबित होगी इस बार? यूपी के लिए देखो जी, पूरा ही इंडिया की गवर्नमेंट एक वो आ जाए तो है सही, नहीं तो छोटे छोटे वहाँ में तो रगड़ा रगड़ी रहे, वहाँ में तो ये कोई दूसरी सरकार आ गई तो प्रधानमंत्री कोई और बन जाता वहाँ। वो हम तो कहें कोई भी राजा बने अच्छा बने, और भगवान से ये प्रार्थना करें कि पब्लिक के लिए अच्छा करें कोई भी हो। एक्सपर्ट तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ की जो भी जनता है उनका ये ऐसा मानना है कि वो बीजेपी सरकार अब नहीं चाह रही है। उनके हिसाब से बीजेपी सरकार ने उनके साथ सिर्फ एक छलावा किया है और विकास के नाम पे सिर्फ उन्हें ठगा गया है। और यहाँ की जनता अब चाह रही है कि नई सत्ता आए, नई सरकार बने और उनकी जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेशन टाइम्स से, मैं श्रेयसी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।